कमाल हो गया और पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नहीं अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुंह पर लात मारी है और उनको बताया कि हमारी क्रिकेट आपसे कितनी ज्यादा आगे जा चुकी है घंटा बजाया अफगानिस्तान ने पकड़कर आज वर्ल्ड क्रिकेट का अफगानिस्तान जो है अब एक बड़ी टीम बन गई है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है वो न्यूजीलैंड को हरा सकती है तेईस में उन्होंने पाकिस्तान को हराया उसके बाद इंग्लैंड को हराया मतलब भाई अब उनकी क्रिकेट जो है वो रूस की तरफ जाएगी पूरी दुनिया के मुंह पे आज एक तमाचा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया कहती थी हमने अफगानिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेल आज देख लिया आपने अफगानिस्तान ने आपको दूध में से मक्की तरह उठा के बाहर फेंका है पड़ोसियों को बोलना चाहूँ चाहता हूँ ये पाकिस्तान वालों को ये तुम्हारे सारे अब्बा को फेल दिया जितने भी अब्बा बनाए तुम लोगों ने इस वर्ल्ड कप में हमने सबको फेल दिया अब यह बताओ कौन सा अब बना इंग्लैंड को या साउथ अफ्रीका को देखो अभी से बता दो। <laughs> या फिर ऐसे कि मेरे धो दो बाप मेरे धो दो बाप <laughs> कमाल कर दिया यार 115 रन 115 रन और फिर देखे 59 10 दस ओवरों में पार्टनरशिप वही रही मुला गुरबाज कमाल कर देता है यार ये लड़का यार, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में बिलीव करो 115 सौ पंद्रह का टारगेट इजिली डिफेंड कर और राशि खान ने जो कैप्टनसी की जो उसने आज चार विकेट ली मतलब मैच का पास अफगानिस्तान और इंडिया का फाइनल हो जाए दुआ करो अफगानिस्तान और इंडिया का फाइनल हो जाए अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की क्रिकेट का घंटा बजा दिया पनौती है साला ये पाकिस्तान भाई जिसको भी सपोर्ट किया इसने इस वर्ल्ड कप में वो बड़ा गंदा पहला गया भाई दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में अफगानिस्तान ने आज इतिहास रच दिया है और पहली बार अफगानिस्तान की टीम टी ट्वेंटी क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है अफगानिस्तान ने दोस्तों पहले बल्लेबाजी करके मात्र 115 रन बनाए थे और सबको लगा था कि बांग्लादेश इस टारगेट को आसानी से चेस कर लेगा लेकिन अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने दिखा दिया कि हम भी किसी से कम नहीं कप्तान राशिद खान नवीन और गुलबदीन की गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश की टीम के खिलाड़ी धराशाही हो गए और इसी के साथ अफगानिस्तान ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है तो आज इसी पर हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखने वाले हैं तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना की दो टीमें एशिया की दो टीमें आ गई कमाल हो गया कमाल हो गया और पाकिस्तान नहीं अफगानिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका नहीं अफगानिस्तान ये है सच की फतेह ये है हक की फतेह किसी को समझ ना आए तो भाड़ में जाए कमाल कर दिया यार 115 रन 115 रन और फिर देखे 59, 10 ओवरों में पार्टनरशिप वही मुल्ला गुरबाज कमाल कर देता है यार ये लड़का अगर राशिद उस उसको तनजीद को छक्के ना टाता आखिरी ओवर में दो आखिरी ओवर में दो छक्के ना टिकाता उन्नीस रन ना बनाता नट आउट गए थे फारग थे ये सब फारग है मर सही तो फलाना सही तो ढिमकाना सही हालांकि बांग्लादेश ने लंबी लंबी आज अपनी बैटिंग रखी थी लंबी बैटिंग से रखी थी अपने हिसाब से कंडीशन से महमूदुल्ला जहाँ आउट हुआ मैच खत्म हो गया पता चल गया गेम इज ओवर क्योंकि महमूद ये लिटन मिटन के बस का नहीं है वो इकतालीस बॉल में पचास बना लिया लेकिन आप यकीन करें ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच हो रहा है स्टेज वॉज सेट फॉर ऑस्ट्रेलिया नॉट फॉर बांग्लादेश दे नेवर शोड इंटेंशन दे नेवर ट्राई टू भाई हार जाओ ट्राई तो करो सालो खुद भी बाहर हो रहे हो नागनो और उनको भी बाहर करा रहे थे लेकिन ऊपर वाला नहीं चाहता था तकदीर नहीं चाहती थी कि ये ये पीले पीले रंग रंग के जो की आपको पता है, पेट खराब हो तो तो ये पेट खराब है अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के मुंह पर लात मारी है और उनको बताया कि हमारी क्रिकेट आपसे कितनी ज्यादा आगे जा चुकी है घंटा बजाया अफगानिस्तान ने पकड़कर आज वर्ल्ड क्रिकेट का घंटा भाया आज अफगानिस्तान ने पढ़ करके ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है मेरे घंटे का मिचल मार्स जो कह रहा था ना कि इंडिया को हरा कर हम सेमीज में जाएंगे तो बेटा आपके अबू अफगानिस्तान वाले जा चुके हैं अफगानिस्तान बेटा जा चुका है ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली क्वालिफाई भाई एयरपोर्ट के लिए एयरपोर्ट के लिए ऑस्ट्रेलियंस क्वालिफाई गए हैं अगर किसी ने आज क्रिकेट खेलिया तो अफगानिस्तान ने खेली है अफगानिस्तान ने आपको बताया कि क्रिकेट दिमाग से दिल से जुनून से जज्बे से खेली जाती है मेरे घंटे के 115 सौ पंद्रह रन उन्होंने बचा लिए एक सौ पंद्रह रन उन्होंने बचाए हैं मेरा घंटे का मेरा घंटे का बाबर आजम 160 नहीं बचा पाता यूएसए के सामने 160 नहीं बचा पाता वो और भाईजान अफगानिस्तान ने 115 बचाए हैं दिल से दिमाग से उन्होंने आज खेला है। पकड़ के बजा दिया आज या भाईजान बांग्लादेश वालों को बंगालियों को पकड़ के नागिन डांस करवा दिया आज क्या ब, मैं कहता हूं क्या बॉलिंग की है अफगानिस्तान ने क्या बॉलिंग किया नवीन हक ने क्या बॉलिंग किया राशिद खान ने क्या जज्बा दिखाया अफगानिस्तान की टीम ने सर अफगानिस्तान इस टाइम सेमीफाइनल में बैठा हुआ है अफगानिस्तान जो है अब एक बड़ी टीम बन गई है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है वो न्यूजीलैंड को हरा सकती है तेईस में उन्होंने पाकिस्तान को हराया उसके बाद इंग्लैंड को हराया मतलब भाई अब उनकी क्रिकेट जो है वो रूस की तरफ जाएगी पूरी दुनिया के मुंह पे आज एक तमाचा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया कहती थी हमने अफगानिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेली आज देख लिया आपने अफगानिस्तान ने आपको दूध में से मक्की तरह उठा के बाहर फेंका है अफगानिस्तान ने बताया कि हम क्रिकेट के बाप बन चुके हैं अगर आप हमसे कंपीट करेंगे तो हम आपको गिराने की हिम्मत रखते हैं और नो डाउट उन्होंने जैसा गिराया है बांग्लादेश यार एक सौ रन से डिफेंड करना आपकी बॉलिंग सौ कार्ड बॉलिंग 159 वन रन डिफेंड नहीं कर सकी थी लेकिन आज अफगानिस्तान ने बताया कि कोचिंग हमसे लो हमसे सीखो कि कैसे बॉलिंग करते हैं भाई राशिद खान और अफगानिस्तान को जितना क्रेडिट दें आज की जीत का उतना कम है बिलीव करें अवाम भी सोच रहे हो कि सुबह सुबह इतने प्रोड्यूस कैसे हैं भाई जो क्रिकेट हो गई है क्रिकेट कोई नहीं, कोई नहीं।, नहीं।, कोई, नहीं। कोई नहीं मैं कहता हूँ क्रिकेट हमारी नशों में बस रही है नशा है हमें क्रिकेट का और ये नशा जो है ना आज उसमें इजाफा किया अफगानिस्तान ने अफगानिस्तान को चेड़ा जाता है कि पाकिस्तान कहते हैं भाई हमारे बच्चे हमने क्रिकेट सिखाए इनके पास ग्राउंड नहीं है ये इंडिया के ग्राउंड में हैं। आज उन्होंने इंडिया इंडिया के शफकत को बहुत अच्छे से रिटर्न किया। मोहब्बत का जवाब अफगानिस्तान ने मोहब्बत से दिया क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया रह जाता वर्ल्ड कप में एक बहुत बड़ा थ्रेट इंडिया के लिए भी था बेशक देखें, बेशक पाकिस्तान ने उनकी स्पोर्ट की कहीं पास्ट में बेशक इंडिया ने उनको ग्राउंड दिए लेकिन क्रिकेट उनके लड़कों ने खेलिया

आज वो छोटी टीम बड़ी टीम्स को उड़ा के ले गई है भाई सिर्फ एक इंडिया अगर इस वर्ल्ड कप में ना होता तो अफगानिस्तान आपको वर्ल्ड कप उठाता नजर आता टॉप फोर में जाना भाई पाकिस्तान न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों के खाब रहे हैं फाइनल में जाना और सेमीफाइनल में जाना और अफगानिस्तान भाई सिर्फ एक मैच इंडिया से आ रहा है अगर इंडिया रस्ते में ना आता तो अफगानिस्तान ये हमारे पास बॉर्डर लगता है आगे काबुल के अंदर ट्रॉफी रखता